लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका एमडी राइजन प्रेजेंट्स स्काई स्पोर्ट्स लीग 2021 पावर्ड बाय वेस्ट इंडीज ब्लैक प्लेटफॉर्म पार्टनर gogame.live कनेक्टिविटी पार्टनर एक्ट फाइबर नेट ब्रॉडकास्ट पार्टनर लोगो। मैं उस बिरो में साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन एंड गेम्स हो एंड इट्स टाइम, जिस चीज का आप सबको इंतजार था, प्लेऑफ्स की घड़ी आ चुकी है हम सबके सामने। निकल गई। अब लेट्स सी क्या यहाँ पर कितना एक्यूरेट रहने वाले खिलाड़ी। देखिए थोड़ा सा मूव भी किया है वहाँ पे, उनका ट्रैप भी मौजूद है, तो अगर ट्रैप में फंसते हैं अपन ट्रैप को मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि जितना भी हो सके एंट्री भी यहाँ पर करके दिखानी पड़ेगी। हैंड रेंजर ब्लैक हॉक को निकाल चुके स्पीरो, हंटर फ्यूरी भी आप इस्तेमाल कर चुके, आप मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं। व्हाट इज हैपनिंग, इट्स डिफ्यूजिंग, यहाँ पे डिफ्यूज होता आपको नजर आ रहा है। एक खिलाड़ी बस आपको बिल्कुल बैक साइड की तरफ नजर आएगा, बट अभी भी अगर यहाँ पे की बात करें, ये जो कापा के तरफ से हैंडल फ्री हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज टू मच टू हैंडल, बट MW1 एक अच्छा खेल निकालते नजर आ जाएंगे। एक और गर्ल फ्रेंड के साथ एक बार रीटेक पॉसिबल कर पाएगी। तो देखिए तीन से चार खिलाड़ी मुझे लॉक की तरफ नजर आ रहे हैं। MW1 हो सकते हैं यहाँ पर हमें नजर आए ग्लाइडिंग करते हुए, कापा का एक शॉट डार्ट ब्लैक हॉक को टेक डाउन करते हुए नजर आएगा। हेलिकॉप्टर जैसे ही इफेक्ट खत्म होगा सामने किल करेंगे। 4v3 का रीटेक है एंड मुश्किल में मुझे अभी अभी के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक एंगल जरूर होल्ड कर रखा है। ग्रीन शॉट डिफ्यूज की तरफ बढ़ सकते थे लेकिन उसको होल्ड किया गया एंड एसके रॉसी शायद अब करते नजर आएंगे। पहला किल क्लासिक के राइट क्लिक से निकाला, घोस्ट उठाई फिर एक और क्लिक निकाला, दैट वाज गुड कमिंग इन फ्रॉम सोलो, बट अब बैकस्टैप में यहां पे फंस सकते हैं, बैकस्टैप को फेल करते हुए नारुतो। व्हाट इज हैपनिंग देयर, स्नैक्स एक शानदार किल निकालेंगे, बट इट इज वन वर्सेस वन स्नैक्स। जब तक वो कंफर्मेशन आता और यहाँ पर और साथ ही साथ किल जो है वहाँ पे जो किल निकाला है क्लू चले का यूज करते हैं, कैली वहाँ पे शॉट लेंगे मिस करेंगे, MW1 शॉट लेंगे मिस करेंगे, एक अच्छा फ्लैश आते नजर आएगा, रॉसी को टेक डाउन करते नजर आएंगे। डिवाइड का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया गया, रीकन से इस्तेमाल किया गया लेकिन उनको टेक डाउन करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे एडवांटेज मिल सकता था, बट ब्लैक हॉक स्किल्स को भी नलिफाई करते हुए नजर आएगा। किल जरूर निकला लेकिन जाते जाते वो काफी डैमेज वहां पर दे चुके थे, साइफर को इसी वजह से उनका किल निकलता हुआ नजर आया था। 3v3 यहां पर हो चुका है, अप्रोच लॉकडाउन हमें यहां पर डिफेंडिंग साइड की तरफ से लॉकडाउन से बनते नजर आया। रॉसी उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह से खिलाड़ी वहां पर ये प्लेयर बहुत कम आपको मैसअप करता नजर आता है, बट इस बार काफी अच्छा फ्लक देखने को मिला मोहित वापसी की तरफ से। देखिए स्कैली की तरफ से भी स्मार्ट मूव देखने को मिला, लुक एट देम गो, एंड अभी भी
वो हाइट से ही देख सकती थी एंड वही चीज हमें देखने को मिली. दिस कुड बी इट, दिस कुड बी द फर्स्ट गेम ब्लैक हॉक वर्सेस 5. लेट्स सी व्हाट ही कैन डू. ब्लैक हॉक एक फ्लॉलेस राउंड लेके जाते हुए पहला मैप खत्म हुआ. साइड ही इज हैप्पी एंड वी कैन सी इट. काफी कॉन्फिडेंट है उस एजेंट सिलेक्शन के साथ. साय की बात करें यहाँ पर आफ्टर स्टॉक से खेल निकल सकता था सही वक्त पे निकले क्योंकि डार्क कवर का वहाँ पर वो वहाँ पर उनको साथ मिल चुका था. एमडब्ल्यू वहाँ पर जाएंगे रीना है यहाँ पर फ्रेंजी एंड जितना क्लोज यहाँ पर रेंज में खेलेंगे उत्तम के बेंच पे चल रहेगा. जस्ट उनके पीछे जा चुके हैं क्या वो इन्हें चेक करेंगे. जी हाँ चेक करा बट रिपोर्ट में बहुत जल्दी आती है फ्रेंजी बट खेल निकालने में काफी ज्यादा इफेक्टफुल साबित होती है क्योंकि फ्रेंजी का एंड 1v3 फ्रेंजी उनके पास है और फ्रेंजी वापस मेटा में आती नजर आ रही है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये देख के क्योंकि स्किल्स चाहिए आपको. ऐसे ही आप फ्रेंजी का यूज नहीं कर सकते. लुक एट हिम गो बैक यहां पे बचने बचने की कोशिश करते हुए पीछे जरूर गए हैं. टाइम इज गोइंग टू बी अ की फैक्टर देयर. थोड़ा संभलना पड़ेगा यहां पे एमडब्ल्यू1 क्या एक और किल निकाल सकते हैं. हेलरेंजर धीरे धीरे यहां पे आगे बढ़ते नजर आएंगे बढ़ते स्किल्स तो यहां पे राइट नाउ अगर आप देखें उनका प्रदर्शन अभी तक तो लुक एट हिम गो दो किल यहां पे क्रॉस फायर में लेके जाते हुए आपको प्लेस नजर आते हैं. स्ट्रेट अवे बैकवर्ड पे डाल दिया एमडब्ल्यू1. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर यू नो एडवांटेज चला जाता बैंगलोर के पास अगर वो खेल निकल जाता बट अभी के लिए एमडब्ल्यू1 आई डोंट थिंक ही इज इन अ गुड मूड. ही इज जस्ट दोबारा से मिड को यहां पे फेवर किया जा रहा है. अच्छा फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगा. आई मीन लुक एट हिम गो दो प्लेयर्स उनके सामने बट वहां पे एसके रोसी किल नहीं निकाल पाए. ऑलमोस्ट फिर शायद देखिए अगर वहां पर वो किल लगे बहुत कम है उनके पास. रेजरेक्शन करना बहुत जरूरी है. रेजरेक्शन किया जरूर है क्या एक्सकैली रोकेंगे उसको. मोहित वाकले कापा का किल निकालते हुए स्नैक्स को भी टेक डाउन करेंगे. स्किल्स यहां पे एमडब्ल्यू1 को टेक डाउन करते हुए साइड पे जा रहे हैं. किल निकालना पड़ेगा यहां पे हेल रेंजर को साइड के ऊपर. मेरे ख्याल से अगर नहीं निकाल पाए तो फिर मुश्किल है क्योंकि बेशक वो प्लांट किन्ने के लिए मेरे दिया जा रहा है यहाँ पर और बढ़िया मौका है उनके पास लेकिन स्किल मौजूद है. ओपन प्लांट यहाँ पर किया गया है. थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 1v3 यहाँ पर देखना पड़ेगा उनको. देखिए थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि डिफ्यूज यहाँ पे करने के लिए जा सकते हैं. रैंडम प्लेस आ रहे हैं थोड़ा सा पीछे जाते नजर आए. एक्सकैली भी वहाँ पे शॉट दे रहे हैं बट इट्स अ 1v3 सिचुएशन. थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और अब मेरे ख्याल से एक अच्छा कवर फायर आपको देखने को मिलेगा. इस बार कोई गलती नहीं करेंगे इनके सामने जरूर थे. एक आई गेस बुलेट भी यहाँ पर टैग नहीं खाई उन्होंने. वाओ बिल्कुल एक बुलेट भी यहाँ पर टैग नहीं खाई. हाफ शील्ड इनके पास है बट वैंडल उनको मिल चुके हैं. स्नैक्स भी यहाँ पे नारुतो को टेक डाउन करते हुए. यही कॉम्पिटिशन तो यहाँ पे देखना है इन्फ्लुएंसर वर्सेस इन्फ्लुएंसर यहाँ पे स्नैक्स होता है. वो सेफ कर लेकिन ये जगह नहीं है सेफ होने की. एंड 17 एचपी सर्वाइव करते हुए बट पीछे से बैकअप आए पर फिर ओ नो सेम W1 ऑन दैट एम्प्रेस होल्ड कर रहे थे एंगल एंड विद अ 4k ही कैन गेट अ एस राइट नाउ. नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है वो पेशेंटली खेल सकते हैं. अब ऑडियो भी आया होगा और मैं देखना चाहूंगा यहां पे क्या टेक डाउन किया जाता है उनको. क्या स्टार प्लेसमेंट वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से. देखिए उनके पास है बेबी स्पिरो बच्चे. यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल राउंड. क्या एसके रोसी यहां पे जीत ला सकते हैं. बेट किया यहां पे गन के साथ एंड देखते हैं ऑडियो को यहाँ पे कितना फायदा मिलेगा. पोजीशन पता चल चुकी है ब्लैक हॉक को एसके रोसी की. ये इंपॉर्टेंट एक फीचर रहने वाला है इस कंपटीशन का. देखिए एसके रो अगर 1v1 सामने फेस टू फेस होगा तो यहाँ पर एसके रोसी टेक डाउन किए जा सकते क्योंकि एचपी नहीं है उनके पास. बट एसके रो सामने बिल्कुल बट एमडब्ल्यू1 भी वहाँ पे है एंड इस क्लास में बचते हुए नजर आए. ही इज द जज ही इज द ज्यूरी एंड ही इज द एग्जीक्यूशनर एज वेल राइट नाउ. हेड टू बैक और एक कुछ तो यहाँ पर रहेगा बट अभी के लिए साउंड यहाँ पर रिलीज होता हुआ. हेल रेंजर वो किल निकालते हुए बट यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ फिर दो किल्स निकालते हुए पॉजिटिव ट्रेड जाते हैं. Is that Sai or Stewie 2K? क्योंकि स्मोक क्रिमिनल बनते नजर आ रहे हैं मुझे साई. I mean, बहुत रियल देखने को मिलता है कैसे स्मोक बच्चे को. बस हमें पता है कि जो मोमेंटम से जो फायदा मिलेगा लेकिन अभी के लिए एसके रोसी ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एंड रुकने का नाम लेके क्या किसी को किल निकालेंगे. जी हाँ तीसरा किल भी निकालते हैं. He just put up his dancing shoes again and SK Rossi is going to take a kill. Kappa is there. Sai would be the last one standing. अगर ये क्लच कर देते हैं that would be the best clutch ever. यहाँ पर क्लच करके दिखाया उन्होंने. What is going on? He just. Oh my God!
ओह माय गॉड गार्डियन लेके आए हैं कैली यहाँ पे लोकल निकाल लेंगे बड़े ही गन्स का एडवांटेज नहीं था उनके पास लेकिन काफी ज्यादा क्लोज लेके आ सकते हैं और यहाँ पर की जो यहाँ पर नैनो स्वॉप था वो काफी क्लच ये द्वारा हमें काफी बार देखने को मिले उनको पता है काफी ओपन फ्रंट है कि नहीं टाइम क्या ये कर पाएंगे काफी बड़े हैं अभी भी शायद तो मेरे ख्याल से हाफ डिफ्यूज हुआ है कि नहीं तो डिफ्यूज तो हाफ हो चुका है बट टाइम यहाँ पे उनके पास कम पड़ा है क्या क्लच करेंगे की तरफ रखेंगे बट नारुतो एंड स्नैक्स यहाँ पे है एक निकालते नजर स्पाइक मिल चुकी है स्नैक्स को किल यहाँ पर निकाला उनका स्किल्स ने स्किल्स वहाँ पर आपके शो थोड़ा सा उनको डैमेज कर सकता है बट थोड़ा देखना पड़ेगा बट सब हेल्थ रेंजर व्हाट हैव यू डन देयर यहाँ पर एंगल चेक करना बहुत जरूरी था अभी के लिए व्हाट जस्ट यहाँ पर उनका एक हाथ एक आर्म जस्ट दिखा था बट क्या किल निकल रहा है क्योंकि दोनों तरफ से फंस चुके थे या फिर वो यहाँ पर जो और वो कर सकते हैं उसके पास अभी भी वो और बच रखे हुए हैं यहाँ पर बेटा क्योंकि डिस्पेक्टेड कंप्लीट यहाँ पर दिया गया क्या किल निकालेंगे जी हाँ इस पर डिस्कस करके जी हाँ साइड की तरफ लेके जाएंगे फिर बाइक यहाँ पर लेके परेशान कर सकते हैं आपको अच्छा खेल निकालते हुए भी यहाँ पर खेल निकाला है हैंड रेंजर का और जिस तरह से एंट्री यहाँ पर मिल रही है स्किल्स बेशक ब्लैक हॉक को टेक डाउन करेंगे बहुत जरूरी है अगर कॉर्नर चेक करते हैं काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है जी हाँ कॉर्नर चेक करा और एक और खेल निकालते नजर आ सकते हैं हेल्थ रेंजर को ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डैमेज वहाँ पे कर चुके हैं मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे क्या टेक डाउन करेंगे जी नहीं यहाँ पे पोजीशन भी रिवील हो चुके हैं खेल निकाल चुके दूसरे खेल के क्लास में दूसरा खेल निकाल चुके Oh my god, what just happened? Suddenly, I think it's over. I think this is it. Rajasthan, clearly, line of sight mein aata nazar aaya aapko. आपको शायद देखने का मौका ना मिले स्नैक्स की एचपी काफी ज्यादा बेन की गई है स्नैक्स को एलिमिनेट किया जाएगा चाहे यहाँ पे एक और किल लेके जाने वाले स्किल्स के ऊपर तीसरा किल आता हुआ स्काई के नाम एंड आखिरी प्लेसर इंतजार कर रहे हम एग्रेशन के लिए एग्रेशन आगे आगे स्किल्स की अगर बात करते हैं एक किल यहाँ पे ढूंढ के निकालेंगे वो थ्रू दैट स्मोक एंड वो किल एस्ट्रा का है इसका मतलब नो मोर स्मोक फ्रॉम द साइड ऑफ टीम राजस्थान बात अभी के लिए मिल चुकी है जी हाँ हेड रेंजर की भी बैक टू बैक दो किल्स हमें यहाँ पर देखने मिले कैप्टन एंड शायद यहाँ पर एक पहली विक्ट्री यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है हो चुका है जब तक यहाँ खेल निकाल पाएंगे जी हाँ वहाँ पर ये थे कि उनके 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड वो पिछले 3 महीने में कोई प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेले सोलो ने वो सेटिस्फाई किया एंड यू नो किसी प्रोफेशनल टीम के लिए पहली बार आप खेल रहे यहाँ पर हेल रेंजर सिक्योर करते हुए और साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे बात बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहे थे जो डायमंड इमॉर्टल हमारे साथ इस लीग में खेल रहे बट अभी के लिए काफा यहाँ पर ओजिन यहाँ पर लेके आ चुके हैं लेकिन एक स्काली जो कि तैयार थे तैनात थे आगे आएंगे किल लेके जाएंगे MW1 यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे एसके रॉसी को भी लेके जा सकते थे लेकिन इट्स रॉसी हु इज गोना टेक टू प्लेयर्स डाउन एंड अभी एक टू वर्सेस टू में यहाँ पे आगे आ चुके हैं किसी भी हाल में यहाँ पे आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी डाउन टू नारुतो इंतजार करें यहाँ पे एरीज रहने वाला है एंड कवर कर दिया जाएगा
पॉसिबल कर पाएगी तो बहुत एपिक रहेगा, लेकिन विद दैट फ्रेंजिकल वन एनिमी पर आप निकाले यहां पर और अपने साथ मुश्किलें बढ़ती थी, आप खिलाड़ी यहां पर स्नैक्स जरूर थे, लेकिन पी के फॉर एक्सकैली एंड क्या यहां पर डिफ्यूजल हो सकता है कि नहीं, क्या लगता है आपको? दो अलग लेन से आगे आ रहे हैं, 100 HP प्लेस उनके पास अवेलेबल है, इस्तेमाल करेंगे MW1 स्पॉट करते हैं एंड यहां पे तोड़ा जाएगा एंड थोड़ा सा डैमेज देने के लिए तैयार हो चुके हैं स्केरोसी वेटिंग फॉर दैट ब्लेड स्टॉर्म, एक किल लेके जाएंगे ब्लैक हॉक, यहां पे स्किल्स का किल लेके जाते हैं 4v4 यहां पर रीटेक देखने का मौका मिलता है, MW1 हैज बीन टेकन डाउन, एक और किल के लिए यहां पे तैयार है तैनात है एक्सकैली वर्सेस स्केरोसी, आगे आएंगे यहां पे वेपन स्विच करने के लिए जाते हैं बट इट्स नॉट गोना बी इनफ एंड इट्स ऊपर नजर आने वाले ऑलरेडी पापा को स्पॉट करते हैं एलिमिनेट करके जाएंगे एंड दैट इज एक्सकैली फॉर यू, अगर स्पॉट करेंगे प्लेयर को किल लेने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, यहाँ पर बैक स्टैबिंग लिए तैयार है, कहीं ना कहीं लाते गेम पे आता रह गया एस्केरोसी, यहाँ पर मौका था वहाँ पर थोड़ा सा लेट आए लेकिन अभी के लिए 19 HP सर्वाइव कर रहे हैं, लेट्स सी स्पाइक को यहाँ पर निशेट कर दिया गया लेकिन उनका किल बहुत अच्छे वाइस का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं 20 भी डाउन तो स्किल्स है, स्किल्स आ गए हैं, किल लेके जाने वाले रनिंग बैक उनके पास अवेलेबल है, क्या यहाँ पर लेके जा सकते हैं वो ये किल, वेट करेंगे इंतजार करेंगे, स्पाइक को स्टिकिंग किया जा रहा है यहाँ पे, स्पॉट करेंगे एक्स काली को टेक डाउन करेंगे लेकिन स्पाइक यहाँ पे डिफ्यूज होता हुआ नजर आएगा, और जैसे किल मिल जाएगा उनको यहाँ पर उनका रेड बैग अवेलेबल कर सकते हैं, तो मैं इसलिए सर्वाइव करते हैं, अगर हम देख बात करें स्किल्स की समय कम है रीटेक करना उनके लिए, लेट्स सी क्या पॉसिबल हो पाएगा, बट स्किल्स समय कम है, 4 सेकंड यहाँ पर बच रहे हैं उनके पास, यू नो समय कम है, एस्केरोसी की अगर बात करेंगे ब्लैक हॉक को टेक डाउन कर चुके हैं, रीटेक पे खेलना पड़ेगा, एक प्लेयर यहाँ पे रिटेन भी हो चुका है, स्किल्स को कवर देना इंपॉर्टेंट था लेकिन स्किल्स को कवर देने के चक्कर में यहाँ पे 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट होना पड़ा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, कापा एंड स्किल्स दे आर देयर, नारुतो यहाँ पे नारुतो का किल लेके जाएंगे, कापा इट इज गोइंग टू बी डाउन टू साई, साई वर्सेस कापा आपको देखने का मौका मिलेगा, हंटर्स फ्यूरी अवेलेबल है, हंटर्स फ्यूरी के साथ साथ क्या यहाँ पर करना है सामने नैनो स्वॉर्म से और वहां से निकलना और वहां के बाद प्लांट करना, क्योंकि सामने दो खिलाड़ी मौजूद हैं, स्पाइक को स्पॉट करेंगे एलिमिनेट करेंगे, स्किल्स के पास यहाँ पे समय कम, अगर एक प्लेयर पीक करते हुए नजर आता शायद किल भी लेके जा सकते थे, वेल कापा इज देयर, कापा विल बी टेकिंग द फर्स्ट ब्लड, प्लांट व्यू को यहां पे मिल जाएगा एंड अब मैं देख रहा हूं पोजीशन कौन सी होल्ड करते हैं, ब्लैक हॉक यहां पे कापा के ऊपर एक शॉट निकालते हैं, रॉसी नदू को टेक डाउन करेंगे, एक और किल यहां पे मैच को अंत कर सकता है, शॉट अच्छा लिया साई यहां पे टेक डाउन करते हुए, हेल रेंजर को रॉसी ब्लैक हॉक को टेक डाउन करते हुए, साई वर्सेस रॉसी एंड स्नैक्स इज गोइंग टू बी वेल, रोटेशन रीड करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे स्पॉट करेंगे MW1 हेल रेंजर को किल लेके जाने वाले हैं, एक डबल फ्रैग के साथ आते हैं, इट्स गोइंग टू बी ओनली 2 प्लेयर स्टैंडिंग इन द वे ऑफ राजस्थान, एक और प्लेयर को स्पॉट करते हैं, स्किल्स यहां पे अपने स्किल्स दिखाएंगे एंड MW1 का भी किल लेते हुए नजर आएंगे, 2v4 कैन बैंगलोर मेक इट हैपन बिकॉज़ स्पाइक ड्रॉप हो चुका है, स्पाइक को उठाया जाएगा, ए साइड के ऊपर ही प्लान देना पड़ेगा, टाइम नहीं है उनके पास, टाइम के साथ टाइम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, ग्रेविटी वेल का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा डिले किया जाएगा प्लान को एंड यू नो दैट्स जस्ट वेल बैकस्टेप चेक करना इंपॉर्टेंट है, MW1 पोजीशन लेने के लिए आगे गए लेकिन एस्केरोसी कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं, किल लेके जाएंगे MW1 का एंड दिस माइट बी द ओपनिंग दैट बैंगलोर नीड, एक्सकाली शॉट लेंगे लेकिन कनेक्शन उनको नहीं मिलेगा इस शॉट का, वापस एक और शॉट लेते हैं, एक्सकाली साइड के अंदर आ चुका है, क्लासिक के साथ साथ एलिमिनेट करेंगे यहां पे एस्केरोसी को एंड वाइपर स्पेट हो चुका है एक्टिवेट, नारुतो यहां पे स्किल्स का किल लेके जाएंगे उनके अल्टीमेट के साथ साथ एंड यू नो इट्स स्टिल द नंबर्स फॉर टीम राजस्थान बिकॉज़ 2 किल्स लेके जाने वाले हैं साई विद दैट स्प्रे ट्रांसफर एंड सच अ ह्यूज राउंड फॉर राजस्थान, द बिग ब्रेन आईजीएल फॉर टीम बैंगलोर, तो यहां पे अभी भी सर्वाइव करता हुआ पोजीशन एक किल निकाल सकते हैं, जी हाँ एक किल निकालेंगे, क्या दूसरे किल की किल तलाश में जाते हैं, 1v4 करना पड़ेगा, एक किल पहले निकाला एंड एक्स क्या है लोकेशन बीच रिवील हो जाएगी, क्या ये बेटा के साथ मैजिक कर सकते हैं, जी हाँ एक किल तो जरूर निकाला दूसरे से किल की तलाश में बट यहां पे थोड़ा संभलना पड़ेगा, एम्प्रेस एनेबल कराया MW1 ने, शॉट लेना बहुत जरूरी बट स्पाइक प्लांट हो चुका है
बी साइड के ऊपर। वेल हेल रेंजर यहां पे ब्लैक हॉक का किल लेके जाने वाले हैं, एमडब्ल्यू1 स्पॉट करते हैं, स्किल्स का किल लेके जाएंगे एंड ये एम्प्रेस कैन दिस एम्प्रेस स्टॉप दिस राउंड फ्रॉम गेटिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड्स बिकॉज़ नारुतो ऑन दिस साइड के ऊपर आ गया जो कि एमडब्ल्यू1 हेल रेंजर को लिमिट करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल प्लेयर सर्वाइविंग। स्नैक्स के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, स्नैक्स को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस राउंड निकालने की। वेपन्स उनके पास है बट लुक एट दैट शॉट फ्रॉम स्नैक्स। इट्स अ 1 वर्सेस 1 नारुतो वर्सेस स्नैक्स। बट ये टिक जाएंगे लेकिन स्पॉट कर चुके हैं। एक्सकाली आगे आते हैं, स्किल्स का किल लेके जाने वाले, 68 एचपी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। एमडब्ल्यू1 का भी किल लेके जाएंगे एंड नंबर फॉल्टर करता हुआ आपको दिखेगा बैंगलोर के साइड में। दैट अग्रेशन कमिंग इन फ्रॉम टीम रंसन मिलेगा ऑटोमेटिक पिस्टल का एक एडवांटेज होता है। आप स्प्रे राउंड अगर कंट्रोल कर लेते हैं एब्सोल्यूट यू नो आप कह सकते हैं एंड हेल रेंजर भी अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे ए साइड के ऊपर हैं। बहुत ही शानदार रीड यहाँ पे हमें देखने को मिली। हेल रेंजर की तरफ से एडवांटेज है, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे एग्रेसिव पे नजर आएंगे। एसके रॉसी आते हैं बैक स्टेप करते हुए नजर आएंगे, एक किल लेके जाएंगे एंड दो किल लेके जाने वाले। इट बी ओनली डाउन टू एमडब्ल्यू1, वो भी यहाँ पे स्किल्स को निकालेंगे। बट इट्स विद इट विल इट बी एनफ। वेल ही प्रदर्शन अगर आप करते रहे आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू। बट स्नैक्स, ओहो दिस इज आइस बॉक्स एंड स्नैक्स इज हंग्री। वेल स्नैक्स का गेम प्ले आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड एयर पे स्पॉट करेंगे, एक स्काली को टेक डाउन करेंगे, स्किल्स इज देयर, एक प्लेयर को वो भी एलिमिनेट करने वाले हैं। स्प्रे डाउन किया जा रहा है लेकिन एमडब्ल्यू1 फ्लैंक पे नजर आएंगे आपको। ही इज रनिंग आउट ऑफ बुलेट्स, इट्स द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग। इट्स साई विद द रेजरेक्शन, कैन ही मेक दिस राउंड हैपन। वेल इट्स रनिंग ऑन द बैक स्टैप प्रूविंग फ्रूटफुल फॉर द टीम। आगे आया यहाँ पे एक स्काली किल लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे बट यू नो सारे के सारे ब्लेड्स इट डजंट कनेक्ट एंड लॉकडाउन के साथ साथ रीटेक करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं वाइपर का जो पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है स्पाइक के ऊपर, कम ही स्टिकिंग इन द डिफ्यूज एंड यू नो हेल रेंजर कवर फायर देने के लिए तैयार है बट द डिफ्यूज जस्ट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ दैट पॉइजन क्लाउड। उसके बाद वो यहाँ पे रोक सके प्लेयर्स को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था बट कापा लुक एट दैट ऑपरेटर शॉट फ्रॉम हिम। कनेक्ट करेंगे, ब्लैक हॉक को टेक डाउन करेंगे। 2 vs 3 का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफेंडर लॉकडाउन पॉप अप हो चुका है एंड लॉकडाउन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साई को स्पॉट कर चुके, साई की थोड़ी सी ड्रेन की जाती है, टेक डाउन किया जाएगा। इट इज ऑल डाउन टू अ सिंगल प्लेयर नारुतो फॉर द सेवियर। एक शॉट कनेक्ट करते किल लेके जाने वाले लेकिन डिफ्यूज अभी तक नहीं सिकिंग किया गया, उनकी पोजीशन स्पॉट आउट हो चुकी है। एलिमिनेट किया जाएगा कापा के द्वारा। जस्ट विनिंग। ओह हे गैरी, हाउ आर यू? वेट कर रहे हैं यहाँ पर एंड लेट्स सी दो खिलाड़ी स्पीरो जैसे खिलाड़ी आप उभार रहेंगे उसके लिए तैयार रहेंगे स्वागत करने के लिए आपको। वेल एमडब्ल्यू1 एक खेल निकालते हैं, स्किल्स यहाँ पे एक्सकाली को टेकडाउन करेंगे बट अभी भी 3 vs 3 कॉम्पिटिशन का सारे प्लेयर्स थोड़ा यहाँ पर वेस्ट करवाया जा रहा है। वेल प्लान वेस्ट कराया जा रहा है और मेकअप डाउन का यहाँ पर बंदे ऊपर से कम एचपी भी यहाँ पर वो सर्वाइव कर रहे हैं। हां कम एचपी थी, बॉल बैन यहाँ पे किया गया बट हमारा से यहाँ पे कमबैक आता हुआ कि राजस्थान की तरफ से। आई मीन दिस इज जस्ट अमेजिंग। एक्सकाली आगे जाते हैं और मैच खेल निकालेंगे, स्किल्स को ट्रेड ऑफ करेंगे। साइड में कोई ना कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और सोलो की लोकेशन भी शायद 30 seconds left. जी बट मेरे ख्याल से शावर से क्रूशियल इंडिया रहने वाला है और वहां से अगर आप किल निकाले तो जी हाँ वहीं से किल आता हुआ ब्लैक होके किल निकालते हैं। बट स्नैक्स अनदर किल, नारुतो यहां पे एक शानदार किल निकालते हैं, पोजीशन रिवील हो जाएगी लेकिन अभी भी सर्वाइव करते आपको देख रहे हैं यहां पे सोलो एंड करना जरूरी है। साइक्लोन और मेरे ख्याल से अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला, यूज कर सकते हैं पे कर रहे थे। दो किल निकालते हुए रॉसी जस्ट दैट बैक स्टैब, थर्ड किल यहाँ पे निकालते हुए एंड अब इट्स गोइंग टू बी एमडब्ल्यू1 वर्सेस एसके रॉसी एंड हेल रेंजर। आपने तो यहाँ पे बात पढ़ ली, यहाँ पे हेल रेंजर के मत किसी का इस्तेमाल कर आप प्लान करते नजर आएंगे एंड पोजीशन रिवील हो जाएगी। एमडब्ल्यू1 गाइडिंग लाइट से ब्लाइंड करने की कोशिश यहाँ पर बट कुछ ज्यादा ही ऊपर वहाँ पर लेके लैंप्स के सामने खिलाड़ी वहाँ पर नजर आ रहे हैं बट क्या खेल निकाल पाएंगे। यू नो चेट की खासियत ये क्या मूव कर सकते हैं भाई, कला बट साइड यहाँ पे रॉसी को टेकडाउन किया है तो फिर यहाँ पे जरूर आता हुआ टाइम यहाँ पे क्रूशियल एक एस्पेक्ट है और आई थिंक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए लॉकडाउन को। 3v2 सिनेरियोस पे रो हंटर फ्यूरी का भी इस्तेमाल यहां पर कर दिया गया है, एक खिलाड़ी यहां पर डिटेन भी हुआ है एंड लेट्स सी कापा हम किस तरह से दिखाते हैं। वे स्पिरो एक निंजा डिफ्यूज यहां पर पड़ता हुआ स्ट्रेट अवे डैशिंग करके अंदर एंट्री तो ले ली गई है इसके रोसे की तरफ से बट जल्द निकाल पाएंगे पोजीशन यहां पर रिवील करनी पड़ेगी। हम दोनों थोड़ा सा फंसे हुए बट दो प्लेयर्स एक कोलैटरल में लेके जाएंगे, एक और प्लेयर लेके जाते हुए इसकी तरफ बढ़ेंगे। जी नहीं हेल रेंजर एमडब्ल्यू1 को टेक डाउन करेंगे और सीकर के साथ पोजीशन में निकालेंगे। स्पिरो कुछ भी यहां पर पॉसिबल है, 50-50 चांस अभी मैं बोल सकता हूं खेल कितना निकलेगा। कापा यहाँ पर बट अच्छी बात थी एक्सकेली पीछे हटे एंड यहाँ पर हेल रेंजर की तरफ से थोड़ा सा
यहाँ पर एक हल्का मोशन में यहाँ पर वो कर रहे थे और ये देख सकते हैं स्केल की तरफ से, क्योंकि उनको पता है जैसे खिलाड़ी दिखेगा क्या खेल निकलेगा, नहीं दे पाएंगे वो बच्चन किल निकालते हुए एंड एडवांटेज ज्यादा हुआ चंबा के, यहाँ पे किल निकाल सकते हैं आगे जाने की कोशिश, स्कैली स्ट्रेट हुए ट्रेड ऑफ करते नजर आएंगे, दिस कुड बी इट गेम, सो इट्स अ 2v3 सिचुएशन, क्या जीत पाएगी टीम राजस्थान या फिर कम बैक देखने को मिलेगा टीम बैंगलोर की तरफ से। देखिए 2v2 अगर होगा तो फिर कुछ होता है लारू टोर किल्स निकाल बन रहे हैं यहाँ पर, और क्या यहाँ पर अब एक्सकैली के ऊपर है सामने हेल रेंजर आईजीएल है सामने यहाँ पर बैंगलोर के, उनकी लोकेशन निकल चुकी है, एचपी था स्पीरो बहुत कम है और मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर गेम निकालेगी एंड पहली टीम और वो जीत का जश्न एक्सकैली ने करके दिखाया आखिरी खेल निकाल के। देखिए वो जो एक बनी हो करके जंप वो जब कर रहे थे उसी वक्त वो डैमेज दे चुके थे 40